बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है, जो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो है क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। क्लासरूम मैनेजमेंट बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जिसको हम आम जुबान में B8 कहते हैं, उसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में ये जो टॉपिक है ये FPSC के एग्ज़ाम्स में आता है, जो आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है, आपका जॉब एग्ज़ाम्स। उसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो है वो हमारा इंग्लिश का होता है, और दूसरा सेक्शन आपका सब्जेक्ट का सेक्शन होता है, जिसके अंदर आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो MCQs है वो आते हैं, और जो आपका आखिरी सेक्शन होता है वो आपका एजुकेशन का होता है। और एजुकेशन के अंदर इसी तरह के MCQs जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। MCQs इन्हीं टॉपिक से आते हैं, जो ये टॉपिक्स हमने, ये पूरी सीरीज़ है आपके पास, इसमें वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारी एजुकेशन की प्लेलिस्ट में। इन टॉपिक्स को हम, उन MCQs को भी कवर करेंगे जो FPSC के एग्ज़ाम्स में आते हैं, लेकिन उन हमें अब ये कंफर्म तो नहीं है कि वही MCQs आएंगे जो हम तैयारी करेंगे जिनकी, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो टॉपिक्स हैं उनको समझ लें। अगर हमें टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम एट द स्पॉट जाके, अगर हमें अनसीन भी MCQs आ जाएंगे जो हमने कभी नहीं देखे हुए, तो क्योंकि हमें टॉपिक्स समझ आए हुए होंगे तो हम उनकी मदद से बड़े बेहतरीन तरीके से जो आपके MCQs उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी रिगार्ड में, उसी कॉन्टेक्स्ट में आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासरूम मैनेजमेंट का टॉपिक। क्लासरूम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और जो पहला प्रॉब्लम होता है कैंडिडेट को तैयारी करते हुए वो यही होता है कि इस क्लासरूम मैनेजमेंट में मैं क्या चीज़ तैयार करूँ, मैं मुझे क्या क्या पता होना चाहिए जब मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट को पढ़ना है। अगर आप उसको गूगल पर सर्च करेंगे तो एक बहुत बहुत वसी किस्म की आपकी रेंज निकल आएगी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन की। तो कुछ जो चीज़ें जो ज़रूर आपको पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा हो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो कम ही होती है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो आपको लाजमी पता होनी चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगी इंशाल्लाह टेस्ट में, वो कुछ चीज़ें नीचे हैं जो हम इस सेक्शन में डिस्कस भी करेंगे। और ये जो 6 पॉइंट्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए क्लासरूम मैनेजमेंट होती क्या है। अगर कोई इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए कि क्लासरूम मैनेजमेंट के बाद हमें क्या हासिल होता है, तो वो अगर आपको ये दो चीज़ें पता होंगी तो इस तरीके के MCQs को आप बड़े आराम से हैंडल जो है वो कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन फैक्टर्स मैक्सिमाइजिंग क्लासरूम मैनेजमेंट, कि फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं जो आपके क्लासरूम मैनेजमेंट को मैक्सिमाइज करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उन फैक्टर्स को आपको पता होना चाहिए। इस तरह के MCQs यहाँ पे क्या आ सकते हैं कि अगर वो आपसे पूछें कि हम अगर ये काम करें, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा, अगर हम ये काम करें तो उससे क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह के MCQs आप इधर से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपको स्ट्रैटेजीज़ का पता होना चाहिए, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट को बेहतरीन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद आपने अगर ये सारे काम कर लिए हैं, आपने अच्छे से अपनी क्लासरूम को मैनेज कर लिया है, 100% आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, अब आपने पता ये करना है कि ये जो मैंने किया है सब कुछ, इसका रिज़ल्ट क्या आया है। ये कोई टेस्ट तो है नहीं जिसको हम मार्क कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने नंबर हैं। सो व्हाट इज़ दैट क्राइटेरिया, या हम कह सकते हैं हाउ कैन वी इवेल्यूएट द सक्सेस ऑफ आवर क्लासरूम मैनेजमेंट, तो उसको हम 5वें अपने टॉपिक में, पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, जब इन सब बातों को हम पढ़ चुकेंगे तो हमें इन बातों का खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन फिर भी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो अब चलते हैं जी अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है डेफिनेशन ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन सबका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो एक ही है। और दूसरा, आपके पास बहुत सारी डेफिनेशन जो है वो मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट की भी हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं फील्ड ऑफ एजुकेशन में, उनकी आपको बहुत सारी मिलेगी। हमने यहाँ पे सिर्फ 3 ऐड की हैं, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। इनका रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कुछ जो पॉपुलर हैं उनमें क्या क्या उन्होंने इस तरह की बातें की हैं। तो जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमारे पास वेरी ईजी, कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो टीचर की स्ट्रेटजी होती है टू क्रिएट एंड मेंटेन एन ऑर्डरली लर्निंग एनवायरनमेंट। यहाँ तक अगर हम बात समझ लें तो हमें सारी बात जो है ना बड़ी क्लियर हो जाएगी कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। टीचर की स्ट्रेटजी है
क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए एक ऑर्डरली लर्निंग एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट जो ऑर्डरली हो, यानी कि जो एक ऑर्डर में चल रहा हो, उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स बहुत ना आ रही हों जो गलत हो। पॉजिटिव चेंजेस तो अच्छी होती हैं, लेकिन कोई इस तरह की हसल बसल क्रिएट ना हो रही हो, ऐसे एनवायरनमेंट अगर बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए टीचर जो स्ट्रेटजीज बनाता है, उसको हम कहते हैं कि ये है क्लासरूम मैनेजमेंट। और ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट है, ये इस बात को भी वाज़ह कर देती है कि टीचर का क्या रिस्पॉन्स होगा टू स्टूडेंट्स मिसबिहेवियर। ये जब हम आगे चलेंगे तो आपकी बातें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से टीचर का रिस्पॉन्स जो है वो भी क्लासरूम मैनेजमेंट में ही डिसाइड किया जाता है, ये टीचर खुद ही डिसाइड करता है। इसीलिए यहाँ बड़ा क्लियरली लिखा है टीचर स्ट्रेटजी। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन, आपके जो हेड हैं वो आपको बताएंगे कि आपने अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज करने है। ये हर टीचर की अपनी स्ट्रेटजी होगी, उसकी अपनी पर्सनैलिटी और उसके अपने सब्जेक्ट के मुताबिक। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो हर टीचर की अपने सब्जेक्ट, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक क्लासरूम मैनेजमेंट होगी, तब ही हम अपनी जो उसको है क्लासरूम मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। अगर एक टीचर दूसरे टीचर की कॉपी करना शुरू कर देगा, उसको लगेगा कि शायद मैं इसी कॉपी करके इम्प्लीमेंट कर लूँगा, तो वो गलत है, इस तरीके से नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मुख्तलिफ डेफिनेशन हैं, ये आपको नोट्स में अवेलेबल होंगी, आप यहाँ से भी पढ़ें, इंटरनेट पर भी ज़रूर सर्च करें। आपको हाईली इंकरेज करते हैं कि इंटरनेट पे सर्चिंग करें, लाजमी करें। ये जो हमने आपको चीज़ें दी हैं, ये तो आपको एक पूरा प्लान मिल गया है कि आपने सर्च क्या करना है, तो उसके बाद आपको जो भी मिलता है इसके अंदर आप वो टॉपिक जो है वो ज़रूर पढ़ें। उसके बाद हमने पढ़ने हैं ऑब्जेक्टिव। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं, या क्लासरूम मैनेजमेंट को हासिल कैसे किया जा सकता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जी सबसे पहले तो हमने अपना सर्कुलम प्लान करना है। सर्कुलम प्लान से ज़्यादा इसको मैं बेहतर तरीके से कह दूँगी कि आपने अपने सिलेबस को प्लान करना है। जो सिलेबस आपको दिया गया है, आपने उसको वेल प्लान्ड रखना है और प्री अरेंज रखना है। मतलब ये कि टीचर को पता हो कि उसने किस टाइम में कितने चैप्टर्स कवर करवाने हैं और उसने कैसे कैसे चेंजिंग्स करनी है। एक हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रन टाइम। रन टाइम का मतलब होता है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, करते करते उसके अंदर जब आप चेंजिंग्स करते हैं, तो हम उसको रन टाइम चेंजिंग्स कहते हैं। तो आप रन टाइम चेंजिंग्स नहीं कर सकते। जब आप किसी बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट में किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो आप ये नहीं करते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने प्लान किया हुआ ही ना हो, आप रन टाइम पे चेंजिंग्स कर दें कि अब मैं ये अगला चैप्टर छोड़ के उससे अगला पढ़ाऊँगा, या आज मैं दो नहीं आज मैं तीन टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं है। अपने सर्कुलम को प्लान रखें, उसके अंदर अपन डिसाइड करके रखें कि मेरा इस वीक में या इस मंथ में या इस साल में मेरे इतने इतने कवर हो जाने चाहिए चैप्टर्स, मेरे इतनी रिवीजन कवर हो जानी चाहिए, ताकि और उसको बच्चों के साथ भी शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता हो कि आपने उनको क्या पढ़ाना है और आपको भी पता हो। ऐसा ना हो कि आप टाइम क्लास जो है वो आपका जो सिलेबस कम्प्लीशन डेडलाइन है उससे बहुत पहले आप करके फ्री हो जाएँ सिलेबस, या आप अपनी डेडलाइन ही क्रॉस कर दें। तो ये दोनों केसेस जो हैं ये गलत हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जो है वो सर्कुलर प्लान रखें और कोई उसके अंदर चेंजेस ना हो। उसके बाद बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है क्रिएट करना, मेंटेन करना पॉजिटिव और प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और क्रिएट भी करनी है और फिर मेंटेन भी करनी है। उनको एक दिन करके दूसरे दिन छोड़ नहीं देना। पॉजिटिव एनवायरनमेंट का मतलब है कि टीचर जो है वो ये समझे कि वो एक टीचर है, उसने बच्चों के लेवल पे नहीं आना, उसने बच्चों को मोटिवेट करना है, उसने बच्चों को इनक्रेज करना है, और उसने बच्चों को समझाना है कि किस तरीके से वो अपनी जो भी उनकी कमज़ोरियां हैं या जो उनके अंदर डेफिशेंसीज हैं वो उन पे किस तरीके से काबू पाकर बेहतरीन तरीके से अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हैं और अपने आप को अच्छे तरीके से क्लास में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोडक्टिव लर्निंग आ जाती है। प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट है उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जो कि प्रोडक्ट उसके अंदर वो लर्निंग कर सकते हैं प्रोडक्टिवली। प्रोडक्टिवली का मतलब होता है कि एक चीज़ के बाद अगली चीज़, एक चीज़ के बाद अगली चीज़, अगली के बाद उससे अगली, नई नई चीज़ें जब पैदा होती रहें तो हम उसको कहते हैं प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो उसमें क्या है कि स्टूडेंट हर रोज़ एक नए स्टांस के साथ क्लास में बैठे, एक नई मोटिवेशन के साथ बैठे, और उसको पता हो कि यहाँ पे मुझे पूरा लर्निंग का मौका दिया जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर कोई बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लूँगा तो उस पर मेरी क्लास और मेरा टीचर हंसेगा, मेरा मजाक बनाएगा, या कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जब
टॉपिक मेरा आधे बीच में छोड़ दिया जाएंगे, उनको मुझे समझाया नहीं जाएगा, इस तरह के कोई भी उसको डाउट्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एक प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कंसिडर किया जाएगा। और इसका जो मेजर फोकस है, ये आपको सारी बात यहाँ की ख़त्म हो गई है, जो कंक्लूजन इसका, इस चीज़ का मेजर फोकस ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसके अंदर क्या चीज़ मेंटेन हो, स्टूडेंट का इंटरेस्ट, स्टूडेंट की मोटिवेशन और स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट बड़ी बड़ी ज़रूरी है। क्लास में एक स्टूडेंट चुप करके भी बैठा हुआ है, अगर उसको सब चीज़ समझ आ भी रही है तो फिर भी आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको क्लास में इन्वॉल्व करें। तो ये आपकी इन्वायरमेंट, क्लास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात होगी कि उसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रख के, आप अगर आप ख्याल रखें तो आप किस तरीके से बेहतरीन पॉजिटिव और प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट जो है वो क्लास का मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मेंटेन करना, सॉरी मॉनिटर करना, बहुत ज़रूरी। ये जो चीज़ है ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है, इसको मैं इतना ज़रूरी कहूँगी कि अगर आप इसको पूरा प्लान करते हैं, आप अच्छे से प्लान करके क्लास में जाते हैं, आपको पता है आपने हर रोज़ क्या पढ़ाना है, आपकी क्लास का एनवायरनमेंट बहुत क्रिएटिव है, बहुत पॉजिटिव है, बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन अगर आप बच्चों को मॉनिटर नहीं करते तो आप ये समझें कि आपकी ये जो मेहनत थी इस पर भी पानी फिर गया है, आप इस पर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने ऊपर वाले दो पॉइंट्स कर लिए हैं लेकिन आपने बच्चों को मॉनिटर नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है, क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, आपने क्लास का माहौल मेंटेन किया हुआ है, लेकिन आपका, आपको पता ही नहीं है कि आपका जो स्टूडेंट है वो आपके साथ चल भी रहा है या नहीं चल रहा। हो सकता है आपका स्टूडेंट कहीं पीछे ही रह गया हो, उसने वो तैयारी ना कर रहा हो, वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट ही ना ले रहा हो, कहीं बात बीच में रह गई हो, तो अगर आप महीने दो महीने बाद चेक करेंगे तो आपको नुकसान होगा। हो सकता है वो क्लास में स्टूडेंट आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा हो लेकिन बैक एंड वो काम ना कर रहा हो। तो अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस ज़रूर मॉनिटर करें, जो भी आपने तरीका रखा हुआ है, चाहे वो टेस्ट की सूरत में है, चाहे वो असाइनमेंट्स की सूरत में है, चाहे वो ओरल टेस्ट है, चाहे वो कोई बोर्ड पे आप टेस्ट लेके चेक करते हैं, वट एवर द स्ट्रेटजी इज, बट यू डेफिनेटली हैव टू मॉनिटर योर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, और इससे ही आप एफिशिएंटली जो है वो अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट भी करवा सकते हैं। उसके बाद ये कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके क्लासरूम मैनेजमेंट के, वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले तो रिसोर्स का होना ही बड़ा ज़रूरी है। अब तो काफ़ी खैर इन्वॉल्वमेंट हो गई है इस वाली चीज़ में, कि रिसोर्सेज का मतलब है कि वो कोई भी चीज़ जो आपके लेक्चर को एड करे, आपके लेक्चर को हेल्प करे, बच्चों को समझाने में उसमें आपकी हेल्प हो रही हो, तो वो आपके पास जो भी चीज़ आपकी वो हेल्प करेगी वो कहलाएगी कि वो है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का होना ही बड़ा ज़रूरी है। रिसोर्सेज में शामिल होते हैं जी नोट्स हो जाएँ, हैंड आउट्स हो जाएँ, वीडियो प्रेजेंटेशन हो जाएँ, ऑडियो क्लिप्स हो जाएँ, ये सब चीज़ें तो आपकी रिसोर्सेज आ जाती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उनकी मैनेजमेंट। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और मैनेजमेंट हैं तो फिर तो रिज़ल्ट होगा अच्छा। अगर रिसोर्सेज हैं लेकिन आपकी मैनेजमेंट नहीं है रिसोर्सेज की, तो आप समझे आपके रिसोर्सेज होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फ़ोटो कॉपीज करवाते हैं किसी नोट्स की और आप बच्चों की स्ट्रेंथ काउंट करना भूल जाते हैं, आपको नहीं पता आपकी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है, 40 की स्ट्रेंथ है, आप 30 कॉपीज़ करवा के ले आते हैं, आपकी वो मेहनत सारी ज़ाया हो जाएगी बिकॉज आप 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कॉपीज़ ही नहीं हैं। या आप डिसाइड करते हैं एक दिन पहले कि कल मैं अपनी क्लास में जाके एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा जो कि मेरे लेक्चर को हेल्प करेगी, उनको समझने में हेल्प करेगी। अब आप पिछले दिन देखना भूल जाते हैं कि कॉलेज में प्रोजेक्टर की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। अगर कॉलेज में प्रोजेक्टर या स्कूल में प्रोजेक्टर है तो वो क्या अवेलेबल है उस टाइम पे? आप ये देखना भूल जाते हैं कि आपकी क्लास का साइज़ कितना है, क्या उसके अंदर स्टूडेंट्स अगर आराम से बैठेंगे तो उनको एंड तक, आगे वालों को, पीछे वालों को, सबको नज़र आ जाएगा। आप क्लासरूम में सॉकेट्स चेक करना भूल जाते हैं। आप ये सब चीज़ें अगर चेक नहीं करते तो इसका मतलब है कि आपने मैनेजमेंट नहीं की। रिसोर्स आपके पास था, आपने मैनेजमेंट नहीं की, तो आप जब अगले दिन आप जाएंगे और आप क्लास के अपने पहले 20 से 25 मिनट ज़ाया कर देंगे सिर्फ इन चीज़ों को अरेंज करने में, तो जब आपके 20 से 25 मिनट ज़ाया हो जाएंगे तो लास्ट 20 मिनट्स में उस डॉक्यूमेंट्री का किसी को भी कुछ, जब बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा तब तक आपकी क्लास जो है वो ओवर हो चुकी होगी एंड द बेल वुड बी रिंगिंग, तो इस वजह से ये भी आपका हो जाएगा फ्लॉप। सो यू बेटर नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज। Just having resources is not enough. You have to manage your resources to get 100% result out of them.
नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाते हैं जो हमने पहले बात की थी, वो फैक्टर्स जो मैक्सिमाइज कर सकते हैं आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट को. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मैक्सिमाइज करेंगे आपके क्लासरूम मैनेजमेंट को? तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आ जाता है आपका क्लासरूम डिज़ाइन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, जैसे क्लासरूम का साइज़ आपके हाथ में नहीं है, वो आपको अलॉट कर दिया जाता है आपके कॉलेज की तरफ से, यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. लेकिन जो चीज़ें आप कर सकते हैं, आप अपनी क्लास को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, आप अपने बच्चों को ये बात सिखा सकते हैं कि सिर्फ जो आपके कॉलेज के या स्कूल के जेनेटर्स हैं या जो सफाई करने वाला अमला है, सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सफाई के लिए, आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं. आपने अपने इर्द गिर्द लिटर नहीं करना, अपने इर्द गिर्द गार्बेज को जो है वो फैलने नहीं देना. बॉक्सेस रखें, डस्टबिन रखें या अपने बैग्स में डाल लें, लेकिन आपने अपनी क्लास को साफ़ रखना है. यकीन करें, इससे आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट में, आपकी लेक्चर डिलीवरी में, आपकी लेक्चर एफिशिएंसी में 100% इजाफा हो सकता है. उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट बहुत हेल्प करती है क्लासरूम मैनेजमेंट को मैक्सिमाइज करने के लिए, और ये भी आपके हाथ में है. आप अपने हिसाब से भी अरेंजमेंट करवा सकते हैं, आपको जैसे बेहतर लग रहा है आप उस तरीके से उसको सेट करवा लें बच्चों को. टीचर का विजिबल होना बड़ा ज़रूरी है. इसमें कुछ टीचर्स को आदत होती है, वो क्लास के दरमियान में जाके खड़े हो जाते हैं, उसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगले वाले बच्चे रह जाते हैं. कभी टीचर इतना फर्स्ट रो के करीब हो जाता है कि पिछले जो रोज़ है उनको नज़र नहीं आता. तो टीचर अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंग, अब जो हर किसी का अपना क्लासरूम है, उसका अपना साइज़ है, उसके अपने डायनेमिक्स हैं, सो अकॉर्डिंग टू योर ओन क्लासरूम यू हैव टू मेक श्योर दैट यू द टीचर शुड बी विजिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स. किसी टीचर, किसी स्टूडेंट को ऐसे ना हो विजुअल्स ना आ रहे हों, वो बहुत बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है और बच्चे की लर्निंग बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है अगर उसको टीचर विजुलाइज नहीं हो रहा तो. इसके अलावा जो भी प्रेजेंटेशंस हैं, चाहे वो कोई आप कोई बड़ा सा फर्स्ट करें कोई मैप लेके आएँ अगर आप पाकिस्तान का, और आप सामने बोर्ड पे लगा के प्रेजेंट करें, तो कोशिश करें वो प्रेजेंटेशन सब स्टूडेंट्स को नज़र आ रही हो. ऐसा नहीं है कि वो इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है कि बच्चे बस सिर्फ आपको सुन पा रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे. या अगर आप कोई वीडियो प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर पे चला रहे हैं, तो कोशिश करें कि पीछे वाले लोगों को, अगले लोगों को, सबको एक जितना बराबर नज़र आ रहा हो, आवाज़ क्लियर आ रही हो. तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंटेशन में आ जाती हैं. उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन वैसे भी ज़िंदगी में बड़ी इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन में आपको पता, कम्युनिकेशन ये है कि आप अपनी बात किसी को समझा सकें प्रॉपरली. जब आप समझा सकेंगे तभी तो वो आपकी हेल्प भी करेंगे, तभी तो वो आपका काम भी करेंगे. तो आपको अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पे आपकी आवाज़ की टोन ऊंची है होनी चाहिए, किस टाइम में कम होनी चाहिए, किस पॉइंट पे आपने अब बच्चे के साथ डांट टपट नहीं करनी, आपने उसे प्यार से बात करनी, और किस पॉइंट पे आप डांटना ज़रूरी है. ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में आती हैं. ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हम उसको सुन इंशाल्लाह कवर भी करेंगे. बट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल फॉर एफिशिएंट क्लास मैनेजमेंट. कम्युनिकेट करना सीखें बच्चों के साथ भी और उनके वालदैन के साथ भी. वालदैन के साथ भी बड़ा ज़रूरी है. कुछ वालदैन होते हैं जो बच्चों के बारे में बड़े ही मतलब सख्त होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि उनको आप और ज़्यादा बढ़ चढ़ के उनकी कंप्लेंट्स करें स्टूडेंट की, ताकि ये ना हो कि वो घर जाकर उन पर बहुत प्रेशर डालें और आपका स्टूडेंट जो है वो भी बिल्कुल आउट हो जाए, उसको अच्छा ना लगे ये बातें. और कुछ जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते अपने बच्चों की जो कंप्लेंट्स हैं उनको, तो उनको बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करके मतलब एक तरीका है उनको समझाने की कोशिश करें किस तरीके से कि आप अपने बच्चों को बेहतर जो है वो कर सकते हैं. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता इसमें. ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर हम आपको बता दें इस तरीके से करें. कम्युनिकेशन हमेशा डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन पर और किस तरह के लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रूल्स. अब रूल्स क्या क्या हैं या रूल्स किसने सेट करनी है? रूल सेट करता है टीचर, या कुछ रूल्स स्टूडेंट प्लस टीचर भी कर सकते हैं. कुछ रूल्स जो है वो आप स्टूडेंट्स के साथ मिल के भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि अक्सर टीचर्स टेस्ट डेट डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स के साथ मिल के उनकी आसानी के लिए. सिलेबस डिसाइड किया जाता है. क्लासरूम मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स आप डिसाइड कर सकते हैं उनकी मर्ज़ी के, जिसमें सीटिंग प्लान भी आ सकता है जिसमें. लेकिन कुछ रूल्स आप सेट कर सकते हैं. अब आपको आप जाके एक रूल अनाउंस कर दें कि 5 मिनट पहले जो है सब जब मैं क्लास में एंटर हो जाऊँ उसके 5 मिनट तक, 5 मिनट के अंदर अगर हर किसी ने अपनी बुक्स, अपने नोट्स, जो भी एक्सेसरीज हैं वो आपके टेबल पर या आपकी आर्म पर आ जानी चाहिए. तो ये सब चीज़ें जो आप सेट कर देंगे और उसमें बड़ी आपको आसानी होगी. स्टूडेंट को पता होगा कि ये काम मैंने करके रखना है. आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. आपको हर बार जाके वो एक ही बात रिपीट नहीं करनी पड़ेगी. फिर उसके बाद ये टाइम मैनेजमेंट, जिसके ऊपर भी हमने जिक्र किया था, जिसको प्लानिंग सर्कुलम में भी आप इंक्लूड करेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना टाइम जो है वो मैनेज करके रखें.
टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको पता हो कि आपने अगर आपको 45 मिनट्स की क्लास मिली है तो 45 मिनट्स में कितने मिनट्स आपने पढ़ाना है। रिकमेंडेड टाइम 30 मिनट्स कहा जाता है कि जो कि इनफ होता है एकेडमिक लर्निंग के लिए। तो आपको पता हो कि आपने 30 मिनट पढ़ाना है, 30 मिनट के अकॉर्डिंगली आपने एक तो अपना सर्कुलम प्लान करना है, और दूसरा ये कि उस 30 मिनट के अंदर, इसको तो हम एलोकेटेड टाइम कहते हैं कि हमने 30 मिनट एलोकेट कर दिए एकेडमिक लर्निंग में। एक वो चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंगेज टाइम। उस एलोकेटेड टाइम में वो जो 30 मिनट्स हमने दिए हैं, आपने ये चेक करना है उस 30 मिनट में कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंगेज हुए हैं आपके साथ। इंगेज होने का मतलब है कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके साथ क्वेश्चन आंसरिंग की है, इन्वॉल्वमेंट शो की है, और आपको अच्छे से समझाया, आपने समझाया जब उनको, तो आपने रिस्पॉन्स दिया है। अगर 30 मिनट पे 25 मिनट तक बच्चे आपको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो उसका मतलब है आपकी एफिशिएंसी क्लासरूम मैनेजमेंट की 100% होगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है आपकी चीज़ों की ऑर्गेनाइजेशन की। टीचर को बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड होने का मतलब क्या है कि उसको, एक तो अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह स्टूडेंट फाइल्स होती हैं, नोट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, तो आपने उनको एक सीक्वेंस में जो है वो अरेंज करना है। ऐसे ना हो कि आप जो है वो बच्चों ने नोट्स मांगे हैं तो अब आप ढूंढना शुरू कर दें और नोट्स सबसे नीचे पड़े हुए हों और नोट्स मिल ना रहे हों, तो वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, एक हसल क्रिएट हो जाती है, और वहाँ से बच्चों को डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। आप इमेजिन करें कि आप बच्चों को अरेंज करके बिठाएं, बच्चे कॉपीज, नोट्स, बुक्स, पेंस लेके बैठे हुए हों और यहाँ टीचर चीज़ें ढूंढ रहा हो, तो बच्चे अल्टीमेटली एक मिनट चुप करेंगे, दो मिनट चुप करेंगे, तीसरे मिनट पे कोई ना कोई एक दो बच्चे एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू हो जाएंगे, आपकी क्लास का डिसिप्लिन और मैनेजमेंट जो है सारी वो हो जाएगी ज़ाया। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने जो चीज़ें हैं उनको रखें ऑर्गेनाइज, क्लासरूम मैनेजमेंट में आपको ये हेल्प करेगा। उसके बाद वो स्ट्रैटेजीज़ जो क्लासरूम मैनेजमेंट को बेहतरीन करने में हेल्प करती हैं, उसमें है जो हम बात कर चुके हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखें, अपने आप को टीचर की जगह पे रखें। टीचर बच्चों की बहुत सारी गलतियां भी माफ़ करता है, टीचर को गुस्सा एट टाइम्स कंट्रोल भी करना पड़ता है और एट टाइम्स गुस्सा करना भी पड़ता है। अपने आप को नॉर्मल रखें, मेंटेन करें क्लास में, ताकि जो आपका एटीट्यूड है वो बहुत पॉजिटिव रहे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो उससे आपका ये थर्ड पॉइंट जो है ये भी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा साथ। आपकी बच्चों के साथ रेप्यूटेशन, बच्चों के अंदर आपकी रिप्यूट भी बड़ी अच्छी हो जाएगी, बच्चे आपको बड़ा अडोर करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये टीचर गलत बात पे डांट, सही बातों पे डांट रहा है, गलत बात पे इंसल्ट नहीं करता या बात बात पे इंसल्ट नहीं करता। तो इससे आपकी ये जो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट है ये बड़े लिंक्ड हैं आपस में। फिर उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी चीज़ कि बच्चों को बता दें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उनसे, अपनी एक्सपेक्टेशंस सेट कर दें कि मैं ये समझता हूँ कि तुम लोग ये करोगे। जिस तरह मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं क्लास में आऊँ उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों की बुक्स, कॉपीज, नोट्स सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ हो। लेकिन अगर आप मेरी एक्सपेक्टेशन से पूरा नहीं उतरेंगे तो आपके साथ ही उनको क्लियर कॉन्सिक्वेंसेस भी बता देने हैं कि इसका क्या नतीजा होगा, इसके बदले में अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस को हम थोड़ा हार्ड नहीं करते, हम उसको सॉफ्ट रखते हैं। छोटी छोटी बातें जो आपको लगता है कि आप उसकी मदद से उनको जो है वो सिखा सकते हैं, तो वैसे हम कुछ कॉन्सिक्वेंसेस रखते हैं ताकि वो समझ जाएँ। और उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और आखिरी चीज़ जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट रहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक दिन तो क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो 100% हो, टीचर बड़ा पॉजिटिव भी है, टीचर ने ऑर्गेनाइज्ड भी रखी है, टीचर ने 30 मिनट पढ़ाया भी है, बाकी टाइम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज भी किया है, बट द वेरी नेक्स्ट डे एवरीथिंग इज़ गॉन, सब चीज़ें हो गई ख़त्म। तो अब यहाँ पे मसला ये हो जाएगा कि आपका स्टूडेंट जो है वो सीरियस नहीं लेगा क्लासरूम मैनेजमेंट को। वो एक दिन तो वो अच्छे से पढ़ेगा, लेकिन अगले दिन जब आप लूज़ करेंगे तो वो भी लूज़ कर जाएगा। उससे नेक्स्ट डे किसी दिन आपने कहा कि मैं अब दोबारा से अच्छा क्लासरूम मैनेजमेंट करता हूँ, 100% को रखता हूँ, तो फिर से आपकी अब क्लासरूम मैनेजमेंट क्या हो, वो बच्चा जो है वो खुद ही सीरियस नहीं लेगा उसको, क्योंकि उसको पता है कि एक दिन की बात है, अगले दिन हो जाएगी ख़त्म। तो कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करें, उससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी को भी फर्क आएगा और बच्चे भी इसका बड़ा पॉजिटिव असर लेते हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है उसके अंदर हमें डिस्कस करना है कि क्लासरूम मैनेजमेंट। अब हमने ये सब कुछ कर लिया, हमने स्ट्रैटेजीज भी अपना ली, हमने प्लान कर लिया, टाइम मैनेज कर लिया,
लेकिन अब हम चेक कैसे करें कि हमारी जो सक्सेस है वो कितनी है, वो ज़्यादा है, कम है, वो कैसी है? वो आपने चेक ऐसे करना है कि जो आपका काम का रेशो है, जो काम का रेट है, वो हो जाना चाहिए बहुत ज़्यादा। काम के रेट से मुराद है कि आपके लेक्चर ज़्यादा अच्छे से डिलीवर होने चाहिए, ज़्यादा डिलीवर होने चाहिए, असाइनमेंट्स को इससे बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो डिवियंसी है, जो आपके एकेडमिक सेटिंग से जो बच्चे जाते जाते लाइन से उतर जाते हैं, यानी कि डिविएट कर जाते हैं, वो होनी चाहिए बहुत कम। कंसिस्टेंसी की जिसने बात की थी, उसके अंदर ये कंसिस्टेंसी आ जानी चाहिए कि डिवियंस कम हो जानी चाहिए, डिविएशन कम हो जानी चाहिए और काम का रेशियो जो है वो बढ़ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन योर क्लासरूम मैनेजमेंट हैज़ ए स्टेट। इसका मतलब है कि आपकी 100% क्लासरूम मैनेजमेंट हो गई है, आपने बड़ी एफिशिएंटली प्लान की अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट। और लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस के अंदर हम ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, हमें खुद ही अब उस इम्पॉर्टेंस की समझ आ गई है। लेकिन कुछ बातें, अगर आप इम्पॉर्टेंस, अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आपकी टीचिंग में बहुत फ़र्क आएगा, आप अफेक्टिवली पढ़ा सकेंगे बच्चों को, आप अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकेंगे, कंसिस्टेंसी आएगी आपके अपने अंदर भी और आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के अंदर भी। और जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं जो बड़े कॉमन होते हैं, जिसके अंदर कुछ बच्चे कभी टीचर्स के साथ मिसबिहेव कर जाते हैं, बदतमीज़ी कर जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनको बातें करने का बहुत शौक होता है, वो बड़े एक्स्ट्रा चैटी होते हैं, तो उन को डील आप आराम से कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया कि मैं क्या उम्मीद करता हूँ क्लास से, और अगर ये नहीं होगा तो उसके नतीजे में आपको क्या कॉन्सिक्वेंसेस फील करने पड़ेंगे। तो उन बच्चों को जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे जी, यानी कि जब आप 2-3 बच्चों को इस बात पे कॉन्सिक्वेंसेस पे, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो उनको भुगतने पड़ेंगे, तो बाकियों के लिए ये एक लेसन हो जाएगा कि नहीं, हमने ये काम अब नहीं करना। तो ये हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। और इसके साथ ही हमारा जो ये वाला वीडियो जो लेक्चर है ये भी हो जाता है ख़त्म, जो कि हमारा था क्लासरूम मैनेजमेंट पे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर रीड करें, इन पॉइंट्स को अपने जेहन में रखें, इनके बारे में और भी सर्च करें, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ आती उनको देखें। और अगर इसमें से भी कुछ समझ नहीं आ रहा या आप और कोई चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं तो ड्रॉप इट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, तो हम उसको इंशाल्लाह ज़रूर इंक्लूड करेंगे। एंड हैप्पी लर्निंग, और ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।